दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आज गोदी मीडिया के पेट में दर्द होता हुआ दिखाई दे रहा है, बीजेपी के पेट में दर्द होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे थे, जो धर्म की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे थे, उनको कास्ट की राजनीति पसंद नहीं है। दरअसल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इंडिया अलायंस की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि जाति जनगणना पूरे हिंदुस्तान के अंदर करानी चाहिए। क्या आपको लगता है जाति जनगणना जो कराने की बात इंडिया अलायंस कर रही है वो गलत है? इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाते हैं और पूरी राजनीति पलटने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो सही है? सबसे पहले आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये छोटा सा बयान सुनाना चाहूंगा, जहां पे वो ये शब्द कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सबसे बड़ी आबादी जो है वो गरीबों की है, और उनके हिसाब से जो आबादी गरीबों की है उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए। साथ ही साथ अपने बयान में वो ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं, हिंदू की सबसे बड़ी आबादी है, वो धर्म पे फिर से ले जाते हुए दिखाई दे रहे। इंडिया अलायंस जाति जनगणना की बात कर रही है, यानी कि ओबीसी एसटी एससी साथ ही साथ जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी जनगणना करानी चाहिए, कितने परसेंट कितने लोग हैं ये बात करते हुए दिखाई दे रही, लेकिन फिर एक बार बीजेपी रिलीजन पे लाते हुए दिखाई दी और साथ ही साथ गोदी मीडिया पत्रकार भी दोस्तों रिलीजन की बात फिर करते हुए दिखाई दिए। कितना ज्यादा जरूरी है जाति जनगणना आपके सामने अभी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो आप सुन लीजिए क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है तो पहला हक किसका होगा भाई, किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है, किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से ये भाषण दिया है तब से ही गोदी मीडिया पत्रकार एक्टिव हो गए और लगातार इंडिया अलायंस पे निशाना साधना शुरू कर दिया है। अब सोचिएगा, जो सालों से धर्मों में लड़ाई लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिन भर धर्म की बात करते रहते हैं, जाति जनगणना से उनको दिक्कत हो रही है, बताने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू धर्म तो पूरा एक है, हिंदू धर्म पूरा एक है और जाति जनगणना के बाद भी एक ही रहेगा, और सिर्फ जाति जनगणना हिंदू धर्म के लिए नहीं, हर एक धर्म के लिए है। जाति हर एक धर्म में आती है, ओबीसी मुस्लिम्स में भी आते, हिंदूज में भी आते, तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि जाति जनगणना अगर हो रही है तो सिर्फ एक धर्म के लिए हो रही है। हर एक धर्म में कहा जा सकता है जाति आती है, क्योंकि मैं आपको दोस्तों बता दूं, एक वक्त था पुराने काल की अगर बात की जाएगी, जहां तक मुझे पता है इंडिया के अंदर जो इंसान जिस तरीके का बिजनेस करता था उसकी जात वो बना दी जाती थी। अगर आपकी दुकान है तो आपकी जात जो है उसी हिसाब से डिसाइड की जाती थी, अगर आप दूध बेचते हैं तो आपकी जात उसी तरीके से हो जाती थी, और साथ ही साथ अगर आप सब्जी बेचते हैं तो आपकी जात वो बना दी जाती थी, और साथ ही साथ अगर आप बाल काटते तो आपकी जात बाल काटने वाला बना दिया जाता था। समझ गए होंगे आप, जो आपका बिजनेस है, जो आपका परिवार करता हुआ दिखाई दे रहा है वही आपकी जात हो गई है। इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में 70% अभी भी गांव है, वहां पे आज भी ऐसी मानसिकता चलती है कि जो इंसान जिस जात का है वो वही बिजनेस करेगा। तो साफ है इंडिया अलायंस का कहना कि अगर जाति जनगणना हो जाती तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कितने परसेंट लोग किस जाति के हैं, और उस हिसाब से काम हो पाएगा, ताकि जो पिछड़े जाति के लोग हैं जिनको अब कहा जा सकता है, इस बीच पहले के ज़माने में जो लोग रोड साफ करते थे या साफ सफाई करते थे उनकी जाति वहीं तक रख दी गई। तो इस हिसाब से इंडिया अलायंस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी रिलीजन का इंसान हो, जाति के हिसाब से उसको आगे लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आज भी इंडिया के अंदर कई ऐसे गांव हैं जहां पर जाति के आधार पर बिजनेस कराया जाता है या इंसान बिजनेस करता हुआ दिखाई देता है, जिसकी पीढ़ी लगी हुई है लेकिन आज तक आगे नहीं आ पाए, यही बात इंडिया अलायंस करता हुआ दिखाई दिया। बिना देरी के आपके सामने सुप्रिया शिनेत का एक वीडियो रखना चाहूंगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर सुप्रिया शिनेत क्या कह रही है, मेन पॉइंट्स कवर किए उन्होंने जाति जनगणना को लेकर, आपके सामने रखूंगा। उसके बाद बिहार में जो जाति जनगणना अभी हुई है उसमें क्या रिजल्ट सामने आया है, और इसी के वजह से
पूरी राजनीति बदलते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जाति जनगणना बिहार के अंदर करा दी है। रिजल्ट मेरे सामने है। सबसे पहले सुप्रिया शिनेद का ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद चर्चा करिए। अडानी जी के मित्र जो इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी जी को एकाएक इस देश का गरीब याद आ गया है। 9.5-10 साल में गरीब नहीं याद आए थे। गरीब जब अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहे थे, गरीब जो आटे और दही पर जीएसटी दे रहे हैं, गरीब जो बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे हैं, गरीब जो 1200 रुपए पर सिलेंडर खरीद रहे थे, तब मोदी जी को याद नहीं आए थे। अब मोदी जी को देश के गरीब याद आ रहे हैं। पता है क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि मोदी जी की वादा खिलाफी ये देश देख रहा है। मोदी जी का दोहरा मापदंड ये देश देख रहा है। ये देश देख रहा है कि कैसे पिछड़ों के साथ लगातार मोदी जी ने धोखाधड़ी करी है। अब जब बिहार के सर्वे में कुछ आंकड़े आए हैं, 63% पिछड़े और अति पिछड़ों की आबादी मिलाकर है, उसमें आप दलितों को ऐड कर दीजिए जो 84% से ज्यादा है, इनका प्रतिनिधित्व क्या है और क्यों इनका प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है? क्यों मोदी जी जातिगत जनगणना कराने से डरते हैं? क्यों मोदी जी ने महिला आरक्षण में ओबीसी को जगह नहीं दी? क्यों मोदी जी 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़ों को साझा नहीं कर रहे हैं इस देश के साथ? ये इनकी वादा खिलाफी है और ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये दोहरा मापदंड है। लेकिन असलियत ये है कि मोदी जी ने इस देश को एक वादा किया था, लेकिन इनकी नाक के नीचे इस देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है, इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है, इस देश में महंगाई बढ़ी है, और इस सबका सबसे बड़ा कुप्रभाव देश के गरीबों पर पड़ता है। बट इधर उधर की बात करके मोदी जी आप जातिगत जनगणना से नहीं बचिएगा, आप पिछड़ों के प्रतिनिधित्व से नहीं बचिएगा। जब राहुल जी कहते हैं कि 90 प्रमुख सचिवों में से मात्र 3 पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो आपका इसके पास क्या जवाब है? आपके 10 मुख्यमंत्री हैं, 1 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आता है और अब उनकी भी रुखसती होने वाली है। महिला मुख्यमंत्री 1 भी नहीं है, जो एक थी उनका आप क्या हाल कर रहे हैं ये दुनिया देख रही है। तो मोदी जी आपके गले की फांस बन गई है, हम समझ सकते हैं, लेकिन अब ये मांग थमने वाली नहीं है, अब ये मांग रुकने वाली नहीं है। जितनी आबादी उतना हक देना पड़ेगा। अब ये जो आप जलेबी बनाते रहे जातिगत जनगणना पर, जो आप जलेबी बनाते रहे प्रतिनिधित्व पर, अब उस पर भी आपको साफ तौर से आपका क्या मत है वो देश के साथ साझा करना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरी तरह से हम प्रतिबद्ध हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा तो 2024 में आके हम जरूर जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन उसके पहले आपके पास मौका है वो जनगणना कराने का, 2011 की जनगणना के आंकड़े साझा करने का, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं ना रेड कराकर विषयांतर करने का, वो शिगुफा है और दुनिया समझती है। आप कुछ पत्रकारों पर रेड करा दीजिएगा, वो फिर से आपसे कल से 40 सवाल पूछेंगे जिनका आपके पास एक भी जवाब नहीं होगा। तो विषयांतर करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ध्यान बटाने के लिए अब आप कुछ भी करिए, ये देश अब आपके पैतरे समझ चुका है और ये देश जानना चाहता है कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री लगातार बिना पलक झपकाए झूठ क्यों बोलता है और जातिगत जनगणना पर आपका क्या मत है। सुप्रीम कोर्ट पे आप कुछ कहते हैं और उसके बाहर कुछ कहते हैं, अब ये जलेबी चलेगी नहीं। जितनी आबादी उतना हक तो आपको देना। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले जाति जनगणना बिहार के अंदर होते हुए दिखाई दे रही है, जिसका रिजल्ट मेरे हाथ में, और साथ ही साथ इसकी वजह से पूरी राजनीति बदलते हुए दिखाई दे रही है। राजनीतिक गलियारों में लगातार हड़कंप देखने को मिल रहा है। गोदी मीडिया पत्रकार, जैसा कि उनका कर्तव्य है, बीजेपी के साइड खड़े हुए लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति जनगणना कराने की बात जो इंडिया एयरलाइंस कर रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। जो लोग धर्म को लड़वाने का काम करते हैं, जो लोग धर्म की बात दिन भर करते रहते हैं, धर्म पे न्यूज बताते हैं, और जो पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, वो आज जाति की बात आते ही इस तरीके की बात कर रही है। लग रहा हो कि जाति ना हो गई हो, क्या हो गया हो। जाति वो चीज़ है जो जाति नहीं है, और हर एक गांव में जाति देखने को मिलती है। ये हमारे देश की हकीकत है। ऐसे में अगर जाति जनगणना हो रही है और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको आगे लाने की बात की जा रही है, तो क्या गलत है? इसमें हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, हर एक धर्म आता है। ऐसे में अगर बात की जाएगी जाति जनगणना की, तो कहीं ना कहीं सही है। मैं आपको बिहार का जो आंकड़ा सामने आया है, जो रिजल्ट सामने आया है, वो बताना चाहूंगा। आपके बगल में मैंने लगा दिया स्क्रीनशॉट, देख सकते हैं आप। बैकवर्ड क्लास जो है बिहार के अंदर 27% है, समझिएगा, बैकवर्ड क्लास जो है वो 27% है, और साथ ही साथ एक्सट्रीमली बहुत ही ज्यादा पीछे वाला वर्ग जो है वो 36% है। इसके बाद
शेड्यूल कास्ट जो है वो 19% है, शेड्यूल ट्राइब जो है 1.68% है, और इसके बाद जो जनरल कहा जा सकता है अनरिजर्व वो 15% है। अब ये जाति जनगणना का रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें आप समझ सकते हैं ओबीसी कितने परसेंट है और साथ ही साथ एसटी एससी कितने परसेंट है। अब आप ये समझ लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए, जो लगातार धर्म पे राजनीति हो रही थी अब वो कास्ट पे आते हुए दिखाई दे रही, और ये कहीं ना कहीं फायदा पूरे देश को देगा, क्योंकि कास्ट के नाम पर जो लोग काम पहले से, जिनके परदादा काम एक ही करते हुए दिखाई दे रहे थे, फिर उनके दादा ने काम किया, फिर उनके पिता ने काम किया, फिर अब वही काम वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उभर नहीं पाए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है उन लोगों को आगे लाने के लिए। आप किस तरीके से देखते हैं, जब ये बताने की बीजेपी की तरफ से और गोदी मीडिया पत्रकारों की तरफ से कोशिश की जाती है दोस्तों कि जाति जनगणना जो करवाने की बात इंडिया अलायंस कर रहा है वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को बांटना चाहता है। सच में क्या हिंदू धर्म को बांटने की बात इंडिया अलायंस कर रहा है या फिर उन लोगों को आगे लाने की बात कर रहा है जिनको आज तक ठीक तरीके से उनका अधिकार नहीं मिला, जिनको आगे आना चाहिए था लेकिन अभी तक आगे नहीं आ पाए। जाति जनगणना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ये आपको समझना होगा, क्योंकि अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो जो लोग पीछे हैं वो पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि उनकी जात गांव में बता दी गई है कि यही है और वो उसी तरीके से आज भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार को उनकी मदद करनी पड़ेगी ताकि वो आगे आ सके, इसलिए जाति जनगणना ज़रूरी है। और इससे ये भी एक कहा जा सकता है राजनीति में इंडिया अलायंस को फ़ायदा होगा कि कहीं ना कहीं जो धर्म की राजनीति होते हुए दिखाई दे रही अब वो कास्ट पर आ जाएगी, और जहाँ पर कास्ट पर राजनीति आ जाएगी वहां पर बीजेपी को कहीं ना कहीं घाटा होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार धर्म की राजनीति करते हुए दिखाई देती है। धर्म की राजनीति बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती है। अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।